हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किंजल और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल थोड़ी सी पेट पूजा में। तो आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट सेवई कस्टर्ड। तो इसे आप पहले से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब मेहमान आए तो ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, इससे मेरी वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए एक कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें कटे हुए मेवे डाल देंगे। मैंने इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी यूज़ की है। आप अपनी पसंद का कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल देंगे। इसी घी में हमें ये सेवइयाँ भूननी हैं, तो मैंने यहाँ ली है 1/2 कटोरी सेवइयाँ। इसे भी घी में डाल देंगे और हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। सेवइयाँ भी अच्छे से भुन गई हैं। अब इसी सेवइयों के अंदर हम दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। दूध को कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है और इसमें थोड़ा सा दूध डालकर हमें इसका घोल तैयार करना है। और जो हमें मिक्सचर तैयार होगा वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। एकदम स्मूथ मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब कस्टर्ड को दूध के अंदर डाल देंगे। अब इसे 7 से 8 मिनट तक फिर से पकने देंगे। इस समय कस्टर्ड को लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद दूध गाढ़ा होने लगता है और कस्टर्ड नीचे से जल सकता है। कस्टर्ड को पकते हुए ऑलमोस्ट 8 मिनट हो गए हैं और यह गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी शुगर। आप शुगर अपने अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। अब यहाँ कस्टर्ड को 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो एक बोल में करके इसे फ्रिज में रख देंगे करीब 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने 2 घंटे के लिए कस्टर्ड को फ्रिज में रखा था। ये एकदम ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने भुने थे। उसके साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से अनार के दाने। थोड़ा सा बनाना फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी डाल सकते हैं। तो ये सेवई कस्टर्ड बनके एकदम रेडी है। आप सभी ने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।